अपराधियों के को आप दामाद की तरह पालिएगा। डीएम जाने लगेंगे तब जितने अपराधी माफिया दलाल और नेता लोग हैं उसको पैसा देकर के लाइसेंस दे देगा। अभी रानीगंज के व्यापारियों ने मुझको कहा कि हम लोग जीना रानीगंज छोड़ देना चाहते हैं कि सुरक्षा की गारंटी लेंगे। क्या जो भी सरकारी नौकरी में मरेगा उसकी नौकरी और 1 करोड़ रुपया कम से कम देने की घोषणा करेंगे? इस दोनों बच्चों की पढ़ाई बिहार के सबसे टॉपर स्कूल में पप्पू यादव की तरफ से जो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है वो अररिया पहुंच चुके हैं। समस्तीपुर में दरोगा के हत्या के बाद अब दरोगा जी के घर पर पहुंचकर दोनों बच्चों को गोद में लेकर पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में सरकार पर भी जमकर बरस रहे हैं पप्पू यादव। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उसको आप सुनो, नेताओं के पाप और कुकर्म का ये दिन, ये लोग कायर हैं, कमजोर हैं, निपुंसक हैं। ये लोग को अपराधी माफियाओं के खिलाफ अपराधियों के को आप दामाद की तरह पालिएगा। आपने उठा के ले आए, बाहर से जाके जेल में बंद कर दिए। क्या हुआ पत्रकार के साथ? 3 सालों से उन्होंने सुरक्षा की मांग की, लाइसेंस मांगा, नहीं मिली। जब कोई डीएम जाने लगेंगे तब जितने अपराधी माफिया दलाल और नेता लोग हैं उसको पैसा देकर के लाइसेंस दे देगा। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 सालों में इनका कोई केस कम गवाही नहीं गुजरता है। अब उसको सजा नहीं होगी। उसी सरपंच के मर्डर में हम गए थे, इसीलिए मैंने आज सबको गोद में लिया और चैलेंज भी मैंने किए। यदि औकात है तो इसमें स्पीडी ट्रायल दोनों केस में। कोई चैन से है ही नहीं, जी नहीं पा रहा। अभी रानीगंज के व्यापारियों ने मुझको कहा कि हम लोग जीना रानीगंज छोड़ देना चाहते हैं। आप 8 बजे के बाद दुकान बंद हो रही है। कौन सुरक्षित है भाई? ना किसी की बेटी सुरक्षित, ना किसी की बहन सुरक्षित। हर दिन पप्पू यादव लाश उठावे, हर दिन बलात्कार की घटना में दो दर्जन जाए। और ये लोग खाना पूर्ति करने वाले जो राजनीति करते हैं, इनको बोलिए ना कि बालू माफिया और अपराधियों को 47 वाले को टिकट क्यों देते हैं? अभी मोकामा में दिया ना बीजेपी वाले सब दोनों। अभी बालू माफिया को एमएलसी का चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है? सबसे बड़का बालू माफिया को बिहार का कहा है। आम आदमी को क्यों नहीं? अच्छे आदमी क्यों नहीं? राइफल का लाइसेंस अच्छे आदमी को क्यों नहीं मिलेगा जिसके पास पैसा नहीं? 4 दर्जन, लगभग 5 दर्जन मुखिया मरे हैं। मैं चिल्लाता रह गया आज तक, 4 दर्जन मुखिया के हम गए, 4.5 दर्जन मुखिया के यहाँ, कि आप मुखिया को कम से कम लाइसेंस दे दो, नहीं दिया। सरपंच मरे लगभग 1 दर्जन, हमने कहा सरपंच को दे दो, नहीं दिया। किसको दो? ना अच्छे लोगों को, ना मुखिया को, ना सरपंच को, ना पत्रकार को, ना कॉमन मैन को, बस अपराधी जिनके पास रसूख है, जिसने शहर का शहर लूट के बर्बाद कर दिया, जिसने पूरी शहर बिहार की खत्म कर दी, सारा लाइसेंस। मैं इंक्वायरी चाहता हूं सारे राइफल के लाइसेंस का, कि जब जब डीएम जाता है वो 25-50 लाख रुपया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया की वसूली लाइसेंस देने के लिए क्यों करता है? मैं सारे बिहार की इंक्वायरी चाहता हूं। क्या आप पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी लेंगे? क्या जो भी सरकारी नौकरी में मरेगा उसकी नौकरी और 1 करोड़ रुपया कम से कम देने की घोषणा करेंगे? बॉर्डर पर या कहीं आप जब आपको राजनीति करनी आती है
ये नेता लोग मीडिया ट्रायल जब होता है तब बाप बाप क्यों करता है? 4 करोड़ दे रहे हैं, 8 करोड़ दे रहे हैं, जिस घटना से वोट और सियासत का कोई मतलब नहीं है उस घटना को छोड़ दो, खत्म कर दो। क्यों रानीगंज नहीं गए सब? क्यों अभी तक सरकार के नुमाइंदे नहीं गए पत्रकार के यहां? अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई पत्रकार का कि मैं 40 लाख रुपया दूंगा? इस दोनों बच्चों की पढ़ाई बिहार के सबसे टॉपर स्कूल में पप्पू यादव की तरफ से हुई, जो सबसे बड़ा स्कूल होगा उसमें। ये जीनियस है ये दोनों बच्चा। मैं इनकी मां को, इनका पापा नहीं लौटा सकता, उनकी जिंदगी कंप्लीट अकेले होगी, लेकिन इनके बच्चों को वो दरोगा बना था तो मेरी उम्मीद होगी कि वो आईएएस बने। मैं ऐसा कुछ न कुछ बड़ा बने, मैं कोशिश करूंगा कि अविलंब 2 से 1.5 महीने के अंदर उनकी जो बेबा है, हमारी जो बेटी है, अविलंब उसको किसी न किसी बीए ऑनर्स किया हुआ उसको सरकारी नौकरी अविलंब सरकार घोषणा करे। मैं अभी ही आईजी से बात करूंगा, लेकिन नौकरी सॉल्यूशन नहीं है। 40 लाख रुपया दोनों भाई का खत्म हो जाना, मैं पूरी तरह इन दोनों केस में 6 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल चाहता हूं और फांसी की सजा चाहता हूं दोनों। यदि है हिम्मत तो इस सरकार को 6 महीने के अंदर आप एसपीडी ट्रायल करके दिखाइए। अभी शूटर पकड़ाया नहीं, न समस्तीपुर में पकड़ाया, न यहां रानीगंज में प्रिंस शाह, अर्जुन शर्मा, कृष्णा यादव, जो रियल शूटर है आप अल्लाह बगैर एक क्रिमिनल गैंग को आप उठा उठा करके, भाई अपराधी मार के घर में बैठा हुआ था, गया आप उठा लाए। सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव सरकार पर बरस रहे हैं, बढ़ते अपराध को लेकर कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो दरोगा जी को अपराधियों ने भून दिया था, ऐसे में जो उनकी हत्या हो गई, अब उनके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पप्पू यादव लेने वाले हैं, पप्पू यादव ही उन दोनों को पढ़ाने वाले हैं। इसे लेकर के आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रखिए न्यूज़ पीआर के साथ।